सोलंकी जी, एक सीधा सवाल हम आपसे पूछते हैं। समाज में बदलाव हो रहा है, आप मानते हैं? मानते हैं आप? डेफिनेटली। क्या खापों को भी थोड़ा बहुत बदलने की जरूरत है? सोलंकी जी, क्या खापों को बदलाव की किसी भी तरह से जरूरत है या नहीं? मैं राजीव जी आपकी बात को अभी तक यही नहीं समझ पाया कि खाप कभी भी ऐसा कोई भी तुगल की फरमान या कोई ऐसा जवाब नहीं करते। खाप पंचायतें या गांव की पंचायतें या सकल पंचायतें वो एक अच्छे के लिए, भले के लिए और समाज के बच्चों के लिए, समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए, हर के लिए फायदे की बात करते हैं। वो गलत कदम आज तक किसी भी नहीं। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये समझना चाह रहे हैं कि क्या खापें कभी इस बात पर अपने भीतर चिंतन करती हैं? आप पालम 360 खाप के प्रधान हैं, पालम 360 खाप एक बड़ी खाप है। जब वो कोई बात कहती है तो उसके पीछे एक सोच समझ होती है, संवेदनशीलता होती है। क्या कभी इस बात को लेकर चर्चा होती है कि इस बदलते वक्त में हमें भी अपनी भूमिका थोड़ी बदलनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए? वो हम नकारात्मक नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन क्या उस बदलाव का चिंतन खापों के भीतर है या नहीं है, हम ये समझना चाह रहे हैं। हम आपको बताएं, अभी जो 2006 के बाद डेढ़ साल पहले झाड़ोदा कला में एक बहुत बड़ी आप जो बात पूछना चाहते हैं उसके अंदर जो बदलाव आप चाहते हैं और जो बदलाव जो काम हम करते हैं उसमें अंतर कुछ नहीं है। हम आज के समाज को देखते हुए जो खापें, जो पंचायतें, जो सकल पंचायतें जो फैसले वहां लेती हैं उनमें नौजवानों को साथ जोड़ती हैं और इसका ऐसा काम करती हैं कि उनको भी इसके बारे में ये ध्यान रहे कि हम किसी गलत काम की तरफ चलेंगे तो इससे नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, 2006 से तो मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि जहाँ भी हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, जहाँ भी पंचायत कोई होती है उसके अंदर समय समय पर जैसी बात होती है उसके अंदर जरूर बदलाव होता, लेकिन उतना बदलाव ना उतनी जरूरत है। फिर अब हम लोगों ने जब पहले 7 गोत छोड़ते थे, अब हम गोत्र और सेम गांव, इन दो चीजों को बार बार थे। आपको समझना चाहिए कि पंचायतें कितना अपने आप में पंचायत का जो अपना फैसला करती हैं तो उसमें बदलाव है या नहीं। ठीक है सोलंकी जी। यशवंत सिंह जी हमारे साथ हैं, आप खाप नेता हैं, दहिया गोत्र से जुड़े हुए हैं, काफी देर से पूरी चर्चा सुन रहे हैं। यशवंत जी, इस बदलते दौर में हमारे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कितनी सुधरी है, कितनी बिगड़ी है? महिलाओं की स्थिति में तो काफी सुधार हुआ है। अब पहले जो ग्रामीण थे तो ग्रामीण में थोड़ा हाथ था, अब तो महिलाओं में काफी साक्षरता भी है और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अपने अधिकार को भी समझती हैं, तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं काफी जागरूकता है। यशवंत जी, ये जो घर से भागने के आंकड़े बढ़े हैं, क्या ये उसी जागरूकता का नतीजा है? ये डेफिनेटली, यानी इसका मतलब ये माने कि जितना जागरूक हम होते जाएंगे ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे? बिल्कुल सही बात है ये आपकी। ठीक है राजीव जी, ठीक है। आप पढ़ाई को मिसयूज हो रहा है, माफ कीजिए, आप पढ़ाई को और जागरूकता को भागने से मत तोलिए। पढ़ना लिखना और जागरूक होना, वो यशवंत जी ने कहा कि चूंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, गलत फहमी है कि जागरूक हो रही है इसलिए भाग रही है। आप उन पर अपना प्रतिबंध इतना बढ़ा दे रहे हैं, आप उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी वो भागीदार बन सकती हैं, और आप शायद अगर अपने बच्चों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें और उनको वो सब चीजें मुहैया कराने की कोशिश करें जिन चीज में, जरूरी नहीं है वो लड़कों के लिए ही भाग रही हो। राजीव जी, एक पक्ष दूसरा भी देखिए, दूसरा पक्ष बताया अभी जागरण साहब ने कहा कि बेमेल शादियां हो रही है। अगर आप बेमेल शादी हो क्यों रही है, उनका करियर नहीं बन रहा है, तो को इस पर भी निगाह रखनी चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें हमारे समाज में हो रही हैं तो हम इसको भी रोकने का काम करेंगे। जो भी कोई बिल्कुल। और मुझे तो खुशी हो रही है आज पहली बार सोलंकी जी से मिलकर कि सोलंकी जी कम से कम एक सुलझे हुए खाप पंचायत के मुझे अध्यक्ष नजर आए, लेकिन किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं सोलंकी जी, उलझा हुआ जवाब दे रहे हैं, सुलझी हुई बात जरूर कह दे रहे हैं। और जब भी कोई भी खाप पंचायत का व्यक्ति होता है वो लड़ने मरने पर उतारू रहता है। हमें कोई खाप पंचायत से लड़ाई नहीं है राजीव जी, हम चाहते हैं कि आप उन मुद्दों पर काम करें जिसके लिए आप सरपंच बनकर बैठे हैं, जिसके लिए खाप पंचायत बनाई गई है। आपको हमने इसलिए चुना है कि लड़कियों को और लड़कों को आप समान अधिकार दिलवाएं, ना कि आप लड़कियों को, लड़कियां भागी, लड़कियां शादी नहीं कर सकती, और आपका जो झगड़ा है
आपका झगड़ा सरकार से होना चाहिए अगर आप कोई लॉ में बदलाव चाहते हैं। मैंने युद्धवीर सिंह जी भी मेरे साथ थे, मैंने उन्हें भी कहा था भाई साहब हम भी आपके साथ चलेंगे अगर आप सरकार का दामन पकड़कर बैठने को तैयार है कि हमारे लॉ में फेरबदल करिए। आप वो काम तो कर नहीं रहे, आपको कानून में बदलाव चाहिए तो आपको सरकार के पल्ले पड़ना पड़ेगा। आप उन बच्चों को मौत का ग्रास नहीं बना सकते ठीक है, उनके टुकड़े टुकड़े करके आप लाशें घुमाएं और कहें कि सोलंकी जी चर्चा के आखिरी पड़ाव पे हैं, आखिरी 5 मिनट हमारे पास हैं। हम एक एक सवाल अपने हर एक पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं। एक सेकंड में बहन जी का जी कहिए कहिए। बहन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। बहन जी कह रही है कि पंचायत के अंदर लड़के लड़कियों की जो अंदर की भावना की बात सुननी चाहिए। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो उनकी बात नहीं सुनता हो, लेकिन कई बारी कहीं ऐसी मजबूरी उस परिवार की हो जाती है, जैसे पढ़े लिखे बच्चे कोई गलत काम, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं सोलंकी जी, ऐसे आपको माँ बाप को भी हम समझाते हैं। और बात एक बताऊँ आपको कि हम बहन जी इस बारे में बहुत ज्यादा बच्चों को भी बच्चों के माँ बाप को भी समाज के अंदर हम एक ऐसी जागृति लाना चाहते हैं कि समाज इस बात को समझने लग जाए कि आज आवश्यकता है एक दूसरे के साथ। जो बच्चा 18 साल का 20 साल का हो जाता है 25 साल का हो जाता है वो अपने आप को अपना अधिकार समझता है, तो माँ बाप को उसको अपने भाई बहन की तरह समझ के और उसे बातचीत करके और उसी तरीके से उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल हक में हूँ और मैं कहता भी हूँ लोगों से कि आज के युग को देखते हुए कोई बच्चा खराब नहीं, ना बच्ची खराब है ना बच्चा खराब नहीं, माँ बाप ने उनको इतना समय 24 घंटे में से आधे घंटे का पौने घंटे का 15 मिनट का 20 मिनट का देना चाहिए समझाने के लिए बताने के लिए। संतोष भैया आखिरी कमेंट, कैसे स्थिति बदलेगी? देखिए सुबह सुबह चिल्लाने से सुबह नहीं होने वाली, चलो इसी से काम चलाएं, ये तो रात हमारी है। रोज मसीहा कहाँ मिलेंगे सूली पे लटकाने को? इस दुनिया की खातिर कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है और हम सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। बच्चे अवेयर हैं, उनको भी समझाने की जरूरत है कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं और उनको किस तरह से अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, ये उनको समझाना पड़ेगा। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनके ऊपर पड़ती है, पेरेंट्स के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि हमारी जो नींव है वो अगर कमजोर हो जाएगी तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बुलंद कैसे बनेगी। कंडेला साहब क्या निदान समझ में आ रहा है, क्या कुछ किया जाए संक्षेप में? सभी उष्टियों से और सभी जो खापों के प्रधान है हिंदुस्तान से जितने भी सबका ये है कि सारे मिलकर एक ऐसा निर्णय लें जो इकट्ठे होकर सारे देश के, जिस तरह आपने कहा भाई हिंदू मैरिज एक्ट का एक आधे रोड़े तो इस हिंदू मैरिज एक्ट में एक गांव में एक गोद में शादी करने आधे रोड़े तो इसे मिट जाएंगे जी। हम ये चाहते हैं कि ये मांग आप टीवी चैनल वाले भी और सभी केंद्र के जो मंत्री हैं जो जो राज्यसभा मेंबर जो एमपी हैं सारे इस बदलाव को करवाएं, आधे रोड़े तो इसमें मिट जाएंगे। ठीक है खटकल साहब, हाँ क्या निदान समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है जी, इससे बताओ ये दिक्कत है जैसे लड़का लड़की भागने की कोशिश करते हैं और उनको जैसे पहले हमारे साथी ने कहा था उनको जाते ही संरक्षण मिल जाता है, अगर कानून में बदलाव होगा उनको ये पता लगेगा जो तुम काम कर रहे हो गैर कानूनी है, रिस्की आ गया, इसका भविष्य ठीक नहीं है, तो इससे इसमें रुकावट आएगी। ठीक है सबसे पहली जो बात है जो माँ बाप के बारे में बार बार जिक्र करे, ये सबसे बड़ा कारण है कि माँ बाप आज के आधुनिकरण बच्चों की उस चीज को समझ नहीं पा रहे, उसको टाइम नहीं दे रहे, जिससे बच्चों में और माँ बाप की सोच में बदलाव काफी अंतर आ जाता है और उसकी वजह से जो माँ बाप चाहता है वो बच्चे नहीं समझ पाते, जो बच्चे चाहते हैं माँ बाप नहीं समझ पाते, यानी ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। नागपाल से आखिरी टिप्पणी लेंगे लेकिन उससे पहले शबनम खान जी निदान क्या है? आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी कोई इस तरीके के कानून में फेरबदल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को इस देश में संविधान में लिखा है कि पूरा अधिकार है। और मेरे ख्याल से सोलंकी जी और सारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबको हमारे देश के संविधान में पूरा यकीन भी है, तो आप इस तरीके की चीज़ों को और मैं तो सोलंकी जी से कहना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा इस तरीके के काम को अंजाम देता है आप उसकी हत्या मत करिए, अगर आपको बायकॉट करना है तो आप करिए। और माता पिता को अपने बच्चों से संवाद बढ़ाना होगा, उनसे अच्छी दोस्ती करके बातचीत करनी होगी, ना कि अपनी
चीजें आप उन पर थोपने की कोशिश करें। सुमित नागपाल, क्या स्थिति दिखाई दे रही है, कैसे बचें, कैसे निकलें, कैसे सुधरें, कैसे संभालें? देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस कानून में बदलाव तो बेहद मुश्किल काम है। ये जो बदलाव की बात है, मेरे को नहीं लगता कि सरकार इसमें बदलाव करने वाली है। और कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता ये है कि जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, वो अगर बच्चे नहीं करते हैं उसमें और अगर गोत्र में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खापों को एक बार इस पे भी मंथन करना चाहिए कि जो चीज़ इलीगल नहीं है, क्या इसमें कोई हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि एक गोत्र में शादी हो जाए क्योंकि वो इलीगल नहीं है? तो उनको मंथन जरूर मेरे को लगता है कि करना चाहिए कि क्या संभावना है, क्या बीच का रास्ता कोई निकल सकता है। और दूसरी बात, एक मैं संक्षेप में ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैं इतना सारा डिस्कशन देखा, खापों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने भी बोला कि खापे जो हैं वो रचनात्मक काम करती हैं, वो खुद भी कह रही हैं हम करते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका एक इमेज जो है वो एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें छवि भी सुधारनी पड़ेगी अपनी। अगर वो रचनात्मक काम करते हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि वो रचनात्मक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे माध्यम से, हमें उम्मीद है कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संतोष जी ने अभी कहा कि सुबह सुबह चिल्लाने से सुबह नहीं होती, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा की कोशिश ये है कि लगातार इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें। खापे क्या चाहती हैं, युवा क्या चाहते हैं, हर एक पक्ष हम जनता के सामने रखें जिससे बदलाव आए और बदलाव सकारात्मक। उम्मीद हम यही करते हैं कि आज की चर्चा से भी एक सकारात्मक बदलाव निकलकर सामने आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है।